देखने लायक कौतुक कर दिया, कौतुक ये कर दिया। किसी जन का दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखलाया। बचपन में जो श्री शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, घर में कोई उत्सव आया तो उसे एक हाथ से उठा करके उसके नीचे लीप दिया। जब ये सूचना महाराज जनक को मिली, महाराज जनक ने बहुत खुशी हुए और मन में ये बात सोची, ये धनुष इतना भारी था जो किसी के हिलाए से हिलता नहीं था, और ये धनुष सीता जी ने यानी मेरी पुत्री ने बचपन में ही ये कौतुक कर दिया, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। आगे बढ़े और एक सभा रखी और उस सभा में एक प्रण किया। प्रण ये किया, जवाब दिया है सभा के लोगों से, ए सभा के लोगों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मेरी बेटी ने वो काम किया है जिसे कोई नहीं कर पाया, और मैं भी प्रण करता हूं जो कोई वीर इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर उसके साथ में कर दूंगा। एक बात कही है, जिस महावीर की महाशक्ति वो ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को सुशी दी कौन रे बात,
जनक ने ये प्रण किया। ये सभा के लोगों, आज मैं ये प्रण करता हूँ, जो कोई इस धनुष को वीर तोड़ देगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ में कर दूंगा, मैं स्वयं उसके साथ में कर दूंगा। अब परीक्षित महाराज जी, जो ये बात महाराज जनक ने कही है, अब तो दूर दूर के लिए खत भेजा, चिट्ठी भेजी, चारों तरफ जब खत भेजे हैं, एक खत जाकर के भक्तों गुरु विश्वामित्र को मिला है आजमगढ़ में। जब गुरु जी के लिए खत